हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरंजन भी। कियारा आडवाणी अब बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर। नेटिजन्स हर तरफ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि बॉलीवुड स्टार मीडिया के सामने जितना खुद को हम्बल और इनोसेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। उन्हीं में से एक है कियारा आडवाणी, जो हमेशा मीडिया के सामने खुद को बहुत काम और इनोसेंट दिखाने की कोशिश करती हैं। कियारा अपने इंटरव्यू में भी ऐसा दिखाती हैं कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। एक एयर होस्टेस ने कियारा आडवाणी के बारे में बात करते हुए बताया कि जहां एक तरफ श्रद्धा कपूर और जाह्नवी कपूर के साथ उस एयर होस्टेस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो वहीं कियारा के बारे में एयर होस्टेस का कहना है कि उनमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। एयर होस्टेस ने कहा कि कियारा आडवाणी को फ्लाइट में जब उन्होंने काजू ऑफर किए, तो कियारा आडवाणी ने कहा कि आप मेरे मैनेजर को बुलाइए, मुझे काजू मेरा मैनेजर देगा। यहां तक कि उस एयर होस्टेस का कहना है कि सेल्फी के लिए भी कियारा ने साफ इनकार कर दिया। वहीं एक और महिला ने बताया कि विदेश में एक बार जब वो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रही थी, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने वाली टेबल पर कियारा आडवाणी अपनी टीम के साथ बैठी। कैफे में बैठे हुए कियारा आडवाणी के हाथ से लिप बाम नीचे गिर गया और लुढ़कता हुआ उस औरत के टेबल के नीचे आ गया। उस औरत ने बताया कि मैंने लिप बाम उठाकर कियारा आडवाणी को आवाज दी कि आपका लिप बाम यहां पर गिर गया है, लेकिन कियारा ने बिना पीछे मुड़े सीधी चलती गई। जिसके बाद उस लेडी ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि कियारा को शायद उस लिप बाम की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपनी सीट पर बैठ गई। तभी कुछ देर बाद कियारा की टीम का एक मेंबर वहां पर आया और कियारा की टीम मेंबर ने उस लेडी से कहा कि मैम का लिप बाम यहां पर गिरा था, वो आप वापस कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि कियारा को उस लिप बाम की जरूरत तो थी, लेकिन वो सामने से अपने किसी भी फैन से बात नहीं करना चाहती। उस लेडी ने कहा कि ये उनका बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा कियारा आडवाणी के साथ। कियारा के बारे में ऐसा ही कुछ कहना है फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर का, जो कहते हैं कि वो अक्सर अपनी फिल्म के दौरान डिमांडिंग हो जाती हैं और हर चीज के लिए डिमांड करती हैं। कियारा आडवाणी के साथ हमेशा 10-15 लोगों की टीम रहती है और अपनी मूवी की शूटिंग के दौरान कियारा का ये कहना होता है कि उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम भी 5-स्टार होटल में ही रुकेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो अपने जिम ट्रेनर का खर्चा भी उन्हीं से वसूलती हैं। ऐसा करने से मूवी मेकर्स का बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जितना वो बॉक्स ऑफिस पर कमा भी नहीं पाते। एक्ट्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से अब उनका सच सभी के सामने आ गया है। मूवी मेकर्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते। आपको जानकर शायद ये हैरानी होगी कि कितनी ऐसी फिल्में हैं जो कियारा को मिलनी थी और अब वो सभी फिल्में तृप्ति दीमरी के खाते में चली गई हैं। मेकर्स को अब जब किसी भी रोल के लिए कियारा की जरूरत महसूस होती है, तो कियारा के डिमांडिंग होने की वजह से वो तृप्ति को पहले नंबर पर रखते हैं। नेटिजंस तो यहां तक कहते हुए नजर आते हैं कि कियारा आडवाणी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, ईसा अंबानी की फ्रेंड है, तो उन्हें अपनी सक्सेस की बिल्कुल भी कदर नहीं है। इसलिए अब कियारा नहीं बल्कि तृप्ति दीमरी है फैंस की पहली पसंद। कियारा आडवाणी की इन हरकतों पर आपकी क्या राय है और आपको कियारा पसंद है या तृप्ति, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।